हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मुकेश रेडटेक। आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप जीरो से लेकर यानी जीरो से अपना यूट्यूब चैनल किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं, यानी कि अपना जो चैनल है वो किस प्रकार आपको ग्रो करना है। तो देखिएगा, जैसे कि जीरो है, जीरो सब्सक्राइबर रहता है, स्टार्टिंग तो जीरो से होती है, स्टार्टिंग आपकी जीरो से होती है, लेकिन उसको ग्रो करते करते वो लाखों करोड़ों में चला जाता है, क्योंकि अर्निंग स्टार्टिंग होती है वो आपकी 1 रुपये से या जीरो से होती है। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप किस प्रकार से अपने जीरो से लेकर आपको कैसे चैनल करना है, जैसे जीरो से लेकर करोड़ों में कैसे करना है अपने चैनल को। चलिए आज शुरू करते हैं आपके साथ, तो बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि यहाँ पर देखेगा, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगा प्रैक्टिकली आपको दिखाऊँगा किस प्रकार से आप चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको मैं यहाँ पर पर आप स्क्रीन पर देखते जाइए और मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आप यहाँ पर देखिएगा। जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि कंट्रोल करता हूँ, जैसे यहाँ पर आपको कर्सर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल को, जैसे कि लैपटॉप पर है तो लैपटॉप पर है, और जैसे कि मोबाइल पर है तो आपको इस प्रकार से इसको डायरेक्टली, जैसे कि मोबाइल पर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप बता सकते किस प्रकार से चैनल जीरो से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जो है। तो देखिए, मैं जानता हूँ जैसे कि ये मेरा चैनल, ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ नहीं देगा, मतलब आपको पहले जीमेल अकाउंट बना लेना है। पहले आपको जीमेल अकाउंट बना लेना है, जीमेल अकाउंट जब बना लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन, जैसे कि आप लैपटॉप या मोबाइल पर रखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक साइन इन का लिखा हुआ मिलेगा, साइन इन यहाँ पर लिखा होगा पहले से ही, साइन इन लिखा हुआ। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्टली क्या करना है कि यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन करना है। जैसे कि आप अपनी जीमेल आईडी को लॉगिन कर देते हैं, उसके बाद क्या है कि आपको एक चैनल बनाने के लिए बोला जाता है, जैसे कि आपको चैनल बनाने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ये देख सकते हैं, वहाँ पर आपको जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अपने फ़ोटो पर, जो भी आपकी आईडी पर फोटो होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा, जो भी फ़ोटो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर एक, जैसे आप फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा जो आपके आईडी पर नाम होगा वो यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके बाद मैनेजर गूगल अकाउंट मतलब जीमेल आईडी में आपको चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि 18+ होना चाहिए, जो भी यूट्यूब क्रिएटर है वो 18+ होना चाहिए, क्योंकि अगर 18+ नहीं होगा तो वो क्या है कि यूट्यूब उसके लिए करेगा तो, लेकिन जब एडसेंस होगा, जब एडसेंस पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहाँ से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्या है कि आप उसको अर्निंग नहीं कर सकते। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जैसे कि आपको क्या है कि डायरेक्टली आप यहाँ से जो भी है, यहाँ से आपको पहले क्लियरली डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल लगाना है, यहाँ पर जो भी कुछ है आप अपना जो सही नाम है उसको फिलअप करना है, क्योंकि किसको ही कहता है अरे भाई मेरा नाम नहीं कोई डालता है, इसलिए अपना फेक नाम डालते रहते हैं कि भाई दूसरा नाम डाल दो, जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड जो बैंक में जो भी है उसको डालना पड़ेगा, नहीं तो बाद में फिर गूगल एडसेंस में क्या दिक्कत होती है, 4 नाम हो जाते हैं, उसके बाद गूगल एडसेंस पता नहीं किस नाम से आएगा, फिर दिक्कत हो जाती है। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन अभी यहाँ पर जो चैनल दिख रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा क्रिएट अ चैनल, उस पर आप क्लिक करना और सिंपली आपका चैनल बन जाएगा। यहाँ पर जैसे मैं योर चैनल पर क्लिक करता हूँ तो मेरा चैनल ओपन हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ, इसमें मैं कॉमेडी बनाता हूँ, जैसे कि कॉमेडी बनाता हूँ, मेरा ये टेक्निकल चैनल है, जो मैं अपनी वीडियो अपलोड करता हूँ, जो मैं अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ वो टेक्निकल चैनल है, लेकिन ये मैं अपलोड वीडियो, इस पर आपको क्लिक करेंगे, लेकिन आपको बोला
आसानी से लाइव कर सकते हैं। ठीक है, आप लाइव भी कर सकते हैं। आप अपलोड वीडियो पर जैसे क्लिक करेंगे, आपके अगर मोबाइल पर हो, जैसे आप मोबाइल पर होंगे, मोबाइल पर होंगे, मैं वीडियो लाइव करता हूँ कि आपको मतलब 100 या फिर करोड़ सब्सक्राइबर कैसे गैन करना है, यहाँ पर सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर लैपटॉप पर होंगे इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन स्क्रीन पर मोबाइल स्क्रीन पर होंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर आपकी फाइल रखी हुई, जैसे कि आपकी फाइल यहाँ पर मेरे वीडियो में जाके ये फाइल रखी हुई, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ से इस प्रकार से आपको ओपन बटन पर क्लिक करना है और इसके बाद ये यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पर देखिएगा क्या है कि आपको फर्स्ट नंबर टाइटल बनना होता है, यहाँ पर जो मैंने भरा रखा है पहले से जो अपलोड कर लेना है। पहले डिफॉल्ट कर लेंगे तो क्या है कि आपका जो टाइटल है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना नहीं पड़ता है बार बार। कुछ आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, जैसे वीडियो के बारे में लिखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा होगा, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अबाउट वीडियो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये मैंने वीडियो बनाई है, जो कि इस वीडियो में आपको जियो फोन रीसेट करने के बारे में बताया गया था। यहाँ पर क्या है कि जैसे कि आप डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपको लिख लेना। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखा जाता है, देखिए हैशटैग लिखे जाते हैं, हैशटैग के बाद एड टैग लिखे जाते हैं, और उसके बाद अपनी सोशल मीडिया लिंक्स, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, गूगल, जो भी कुछ है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ही आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइटल है, जो भी वीडियो के नाम है उसको कर देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको थंबनेल बना लेना है, जो कि आप मोबाइल से बनाते हैं तो आप एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन में बना सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आप लैपटॉप से बनाते हैं तो फोटोशॉप 7.0 से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपलोड थंबनेल कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपकी प्ले लिस्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं वीडियो को जैसे कि वीडियो किस प्रकार ग्रो होता है उसके बारे में पूरा बता रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर जैसे ये देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन को ग्रो करना है। इसके बाद सो क्या है, बैड प्रमोशन को आपको इनेबल कर देना है, जैसे कि बैड प्रमोशन इनेबल कर देंगे तो इससे क्या होता है कि आपकी जो वीडियो है वो पेड मतलब जो भी मेम्बरशिप लेते हैं ना यूट्यूब उससे रिलेटेड होता है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर जो टैग बनेगा, देखिए अभी तो इसमें टैग भरा हुआ, आपको यहाँ से टैग भरना है, इसमें टैग आपको भरना है, इस प्रकार से भरेंगे। यहाँ से आपको जैसे कि आप इसमें लिखेंगे, लिखने के बाद आप कॉमा या एंटर दबा कर करेंगे तो आपके सामने वो क्रॉस कर मतलब टैग बन जाए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड। ठीक है, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है ट्रेंड नेम, से लग जाए। लगने के बाद आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में यहाँ से लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो भी लैंग्वेज है आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हिंदी कर देता हूँ क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ। या इसके बाद आपको कैटेगरी को ऑनलाइन पहले से सेट होती है, उसके बारे में कोई चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से और मैं बात करूँ तो यहाँ से देखिएगा, इसके बाद कुछ नहीं करना। अगर आपका सारा मोनेटाइज हो गया तो आपको आगे जाकर आपको ऐड को नहीं करना, मतलब जो ऐड आते हैं ना उसको ऑन कर देंगे, ऐड को ऑन कर देंगे जिससे कि आपकी वीडियो पर ऐड आने लगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे तो वीडियो एलिमेंट्स, जो वीडियो एलिमेंट होता है जैसे कि ऐड स्क्रीन होता है, ऐड स्क्रीन इस पर रही है, लेकिन इस पर कार्ड है। ठीक है, तो ऐड इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ये वीडियो लगा सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से वीडियो काफ़ी है इस पर, और ये वीडियो जैसे मैंने काफ़ी बनाई रखी हुई है इस चैनल पे। यहाँ से इस प्रकार इसको सिलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, जैसे कि काफ़ी वीडियो है और इस पर क्लिक करना है। आपको जैसे सेव करेंगे तो यहाँ
बाहर से बुलाने में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये दे सकते हैं, इसके बाद आपको एक चेक मिलेगा जो ऑनलाइन चेक हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है मतलब किन लोगों को आप चेक करना चाहते हैं इनको, तो यहाँ पर आपको सेट करना पड़ता है। प्राइवेट करना चाहते हैं, कॉलेज करना चाहते हैं, पब्लिक करना चाहते हैं, तो हमको वही पब्लिक को दिखाना है। पब्लिक को आपको यहाँ पर पब्लिक पर क्लिक करना है। जैसे कि पब्लिक पर जैसे क्लिक कर देंगे ना, यहाँ देख सकते हैं आप सामने दिख रहा होगा ये स्क्रीन पर, ठीक है। इसके बाद सिंपली इस पर पब्लिश पर क्लिक कर देंगे तो आपकी वीडियो पब्लिश हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा